तो भाई लोग फैक्ट्री के छत पर तो आप सभी लोग इजिली गन के साथ चढ़ जाते होंगे, पर आज आपको बताऊंगा कि आप लोग भीमा शक्ति की चिमनी पर कैसे उतर सकते हो, वो भी गन लेके। भाई पूरी गन लेके मतलब नीचे से ऊपर आ सकते हो आप लोग, तो सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और यहाँ पे आप लोग देखो गाइस, मेरे पीछे दो बंदे भी उतरे हैं यार, ये मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि इनके पास कला है यार, मैं और यहाँ पे मेरे पास तो कला ही नहीं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और सामने एक और बंदा भी उतर रहा है भाई पैराशूट से आराम से, तो इनको छोड़ो अभी, तो मेरे को यहाँ से भागना ही पड़ेगा क्योंकि भाई एक फटका मार दिया तो मैं नीचे ही नहीं जा पाऊंगा, फिर तो मैं नीचे जाने से पहले ही टपक जाऊंगा। अच्छा। तो कैसे आप लोग को इसको ऊपर चढ़ना है तो भाई बताता हूँ अभी। आप लोग यहाँ पे देखो कैसे हरामी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, थोड़ा इनको लॉल दिखा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से नीचे जंप कर देते हैं भाई। तो गाइस अगर आप लोगों को लगता कि मैं यहाँ से लॉन्च पैड लेके चढ़ने वाला, तो ऐसा नहीं है गाइस, लॉन्च पैड से आप लोग कभी भी इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। मैंने लॉन्च पैड से बहुत ज्यादा बार ट्राई कर लिया, पर आप लोग बिल्कुल भी लॉन्च पैड से नहीं चढ़ सकते, आप लोग उससे सिर्फ आधे रस्ते पे ही चढ़ सकते हो। गाइस ऊपर चढ़ने के लिए हम लोग ट्राई करने वाले हैं एक रस्सी वाली गन, मुझे उसका नाम नहीं पता, अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट में जरूर से बता देना उस गन का नाम। तो यहाँ पे मैं बाइक लेके जाने वाला हूँ उसके पास, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ जा रहा हूँ उसके पास, मतलब वो कहाँ पर है, तो भाई वो आप लोग को सप्लाई क्रेट में मिलेगी, और मेरी जो सप्लाई क्रेट है वो आई है क्लॉक टावर में। तो यहाँ से जल्दी से चलते हैं क्लॉक टावर, और अगर आपको को नहीं पता भाई सप्लाई क्रेट का यूज कैसे करते हैं, मतलब कहाँ से उसको रखते हैं हम लोग गेम के अंदर, तो भाई उसको आप लोग को बाउंटी के साइड में मिल जाएगा, मतलब इजिली वहाँ पे लिखा होगा सप्लाई क्रेट, तो आपको उसको ले लेना है, मतलब यूज कर देना है, और बाउंटी उसके जगह पे आपको नहीं मिलेगा, मतलब उन दोनों में से आपको कोई एक ही चीज मिलेगी। तो आप लोग को सप्लाई क्रेट एनेबल कर देना, उसके बाद आप लोग को जो मैप में वो आप लोग को दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई मेरा क्लॉक टावर में दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से जाके इसको लूट लेता हूँ, और भाई अंदर से जो गन है उसको उठा लेता हूँ जल्दी से, तो जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। अरे भाई जैसे ही ओपन किया भाई ऊपर से बंदे मारने लगे, भाई कितनी कम हेल्थ पे बचा हूँ यार, जल्दी से यहाँ से पहले भाग लेता हूँ, नहीं तो मेरी पेटी बन जाएगी फिर क्या फायदा। तो यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ और उधर से राउंड लगा के वापिस आ लेता हूँ, मेरे मैडी मार लिए, तो अभी चलता हूँ वापिस और इस बंदे को पहले जाने देता हूँ भाई, नहीं तो ये मेरे को लूट नहीं देगा। ये देखो भाई सब कहाँ पे खड़ा हुआ बीच रस्ते में, चलो कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एक बार फिर से नीचे से ऊपर राउंड लगा के आता हूँ, कहीं ये बंदा मेरे को टपका ना दे। अभी मैंने रस्सी वाली गन नहीं उठाई, बाकी मैंने सब कुछ उठा लिया है गाइस, तो चलो चलते हैं आराम से, अभी देखते हैं शायद वो अभी चला गया, तो जल्दी से यहाँ से गन उठा लेता हूँ गाइस। तो इस बार मैंने उठा लिया गन, अभी जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, कहीं मेरे को मार ना दे भाई कोई बंदा, अगर मार दिया तो भाई लॉल हो जाएगा, फिर से गेम स्टार्ट करना पड़ेगा। जल्दी से अपनी चिमनी के पास चलते हैं और देखते हैं गाइस क्या मैं इस गन का यूज करके ऊपर चढ़ पाऊंगा। तो अभी यहाँ पे जल्दी से राइट स्टार की तरह चलता हूँ, और थोड़ी मेडिकेट भी चाहिए मेरे को, तो चलो पहले तो मैं अपने लिए मेडिकेट्स खरीद लेता हूँ ताकि ऊपर इजीली जा सकूं भाई, बिना मेडिकेट के मेरी हेल्थ देखो कितनी सी, अगर गलती से भी गिर गया तो मैं वहीं पे मर जाऊंगा, तो मेरे को सबसे पहले मेडिकेट लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं मशीन के पास जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टोकन है, किसी को यहाँ पे रिवाइव तो करना नहीं है, इसलिए मैं इससे सामान ही ले लेता हूँ। जल्दी से मेडिकेट लेनी पड़ेगी सुपर मेडी पहले, तो चलो जल्दी से अपनी मशीन के पास चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे एक चिप भी मिल गया बढ़िया वाली, तो हेलमेट वेस्ट जो भी मिल रहा है जल्दी से उठा लेता हूँ, मेरे को अभी गन भी उठानी है क्योंकि भाई ऊपर से बंदों को मारना भी तो है, दिखाना भी तो कि भाई गन लेके चढ़ाऊँ, ऐसा नहीं सोच रहे लग जाए बंदे कि भाई तू तो रिवाइव होके आया ऊपर, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखो अभी मैंने जल्दी से यहाँ से मेडिकेट ले लिया भाई बढ़िया वाली, तो चलो चलते हैं अभी देखते हैं क्या मैं इस गन का यूज करके ऊपर चढ़ पाऊंगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से जाता हूँ और सोच रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे लॉन्च पैड लगा लेता हूँ, तो चलो यहाँ पे मैंने लॉन्च पैड लगा दिया। अभी यहाँ से आप लोग देखो भाई उसके ऊपर तो आप लोग जा ही नहीं सकते छोटे वाले लॉन्च पैड का यूज करके, और बड़े वाला तो यहाँ पे कहीं पे लॉन्च पैड ही नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे छोटे से देखो आप लोग कहाँ पे पहुंचोगे भाई, आधे रस्ते में ही पहुंचोगे। तो चलो यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं यहाँ से ऊपर चढ़ पाऊंगा थोड़ा सा इस रस्सी का यूज करके, तो चलो देखते हैं बाहर से अभी यूज करते हैं, देखते हैं भाई क्या होने वाला है, क्या हम लोग यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो जितना मैं यहाँ से उछल उछल के जा पाऊंगा उतना मैं यहाँ से चढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है इस दूसरी गन का यूज करेंगे, तो चलो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। तो भाई यहाँ से ऊपर मैं शायद नहीं जा सकता, ये देखो आप लोग जब भी कर रहा हूँ पर यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पा रहा, तो अभी रस्सी वाली गन का यूज कर रहा हूँ तो भाई इससे भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से ऊपर तो इससे भी नहीं जा पा रहा, पर थोड़ा सा बाहर जंप करके ऊपर जा सकता हूँ, पर ऐसा करने से मैं बार बार नीचे गिर रहे जा रहा हूँ। ये देखो थोड़ा सा मैंने जंप किया बाहर की तरफ, फिर ऊपर को लगा दिया भाई इस गन को और भाई फिर नीचे गिर गया, यार ये क्या स्कैम हो रहा है मेरे साथ। तो भाई यहाँ से हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते, तो गाइस बाहर से तो नहीं चढ़ पाए, अभी हम लोग को अंदर से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देखो भाई मेरे पास सिर्फ 3 ही एमओ बचे, मेरे को 3 ही एमओ में जाना पड़ेगा ऊपर, अभी देखते हैं गाइस क्या मैं 3 एमओ में जा पाऊंगा ऊपर को इस छोटी वाली गन की। तो अंदर की तरफ तो मैं आ गया, वो भी मेरे को यहाँ से पहले तो मैं सेंटर में जितना हो सकता उतना ऊपर इसको लगा देता हूँ, तो चलो एक बार मैंने लगा दिया, अभी यहाँ से हवा में ही ऊपर को लगाना है, तो दूसरी बार भी लगा दिया, अभी लास्ट बचा भाई क्या मैं जा पाऊंगा। अरे भाई साहब पहुंच गया लॉल, 3 गोलियों में पहुंच गया भाई साहब, ये क्या स्कैम हो गया भाई, मजा ही आ गया, मतलब स्कैम नहीं भाई मजे लग गए, ये तो सिर्फ 3 ही एमओ में मैं पहुंच गया, मेरे को लगा भाई अभी पता नहीं कहाँ गिर जाऊंगा, पर भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ। ये देखो भाई मेरे पास VSS है, आप लोग देख सकते हो
मेरे पास VSS है मेरे हाथ में और थॉमसन भी है साथ में और वो गन भी है 0 MO के साथ बची हुई। तो गाइज यहाँ पे इजिली हम लोग ऐसे करके चढ़ सकते हो। अभी आप लोग को जो भी यहाँ पे करना है आप लोग आराम से सर्वाइव कर सकते हो, कैंप कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। लास्ट जोन यहाँ पे बनेगा तब तो आपके मजे लग जाएंगे ऊपर से मारने में। तो यहाँ पे देखो आप लोग बाहर को फायरिंग भी कर सकते हो। अभी मेरे को यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं बंदे को भी मार के दिखाता आप लोगों को। इसी तरह से आप लोग ऊपर चढ़ सकते हो और इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है गाइस। अभी आप लोग इजिली ऊपर चढ़ सकते हो, पूरी वीडियो में बता दिया मैंने कैसे चढ़ना है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक करो और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर से करना। यहाँ पे आप लोग देखो भाई नीचे से बंदा भी आ रहा है, मैंने इसको हेडशॉट मार दिया भाई VSS से। अभी नीचे चलते हैं गाइस क्योंकि वीडियो तो खत्म हो चुकी है, मैंने ऊपर चढ़ना तो आप लोगों को दिखा दिया। अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, यहाँ पे इसको मार पाऊंगा या फिर नहीं। मतलब मार मेरे हेल्थ देखो गाइस कितनी कम बची। अरे उसने मेरे को देख लिया लॉल, अरे लॉल भाई मरी गया मैं तो। चलो कोई बात नहीं, पर ऊपर चढ़ना तो दिखा दिया। अभी वीडियो को लाइक कर देना और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गाड़ी स्टार्ट कर।